सो यूके स्टडी वीज़ा, बहुत सारे बच्चे लगातार अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि इस समय यूके की जो रिक्रूटमेंट पॉलिसीज़ हैं यूनिवर्सिटीज़ की, वो काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स हो चुकी हैं। बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको विदाउट आईलेट्स एक्सेप्ट करती हैं, चाहे आप CBSE बोर्ड हो, पंजाब हरियाणा बोर्ड हो, या इंग्लिश मीडियम में ग्रेजुएट हो, लेकिन फिर भी कई बार बच्चे किसी ना किसी कारण से फिट नहीं हो पाते हैं। मे बी उनका इंग्लिश का लेवल उतना नहीं होता, या उनका इंग्लिश का स्कोर जो 70-80% चाहिए वो नहीं होता प्लस टू में, तो ऐसे सिनेरियो के अंदर आयल्स करना भी उनको कई बार चैलेंजिंग लगता है। तो एक एग्ज़ाम है ड्यूलिंगो, जो कि एक ऑनलाइन एग्ज़ाम है जिसकी मात्र फीस $50 है, जो कि तकरीबन 3500 रुपये के आसपास बनती है। और इस एग्ज़ाम को आप घर बैठे अपने बेडरूम से ऑनलाइन दे सकते हैं। आपको कहीं ना तो बुक करने जाना है, और ना कहीं पे ट्रेनिंग लेने जाना है, और ना ही कहीं पे इसको अटेम्प्ट करने जाना है। तो आपके बेडरूम से ही ये एग्ज़ाम हो सकता है। ये एग्ज़ाम है ड्यूलिंगो, बहुत से बच्चे जानते हैं। ये US में भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में एक्सेप्टेबल है, और UK में भी कई यूनिवर्सिटीज़ में एक्सेप्टेबल है। तो आज मैं आपको वो यूनिवर्सिटीज़ देने वाला हूँ जिसमें आप ये ड्यूलिंगो का एग्ज़ाम क्लियर करके जा सकते हैं। तो नोट करें, स्क्रीन पे ऑलरेडी लिखा भी हुआ है यूनिवर्सिटीज़, फिर भी मैं आपको एक बार बोल के बता देता हूँ। जिसमें से वेस्ट लंदन यूनिवर्सिटी ने अभी ये रिसेंटली शुरू किया है, ये पहले नहीं लेते थे। तो वेस्ट लंदन यूनिवर्सिटी भी आपका ड्यूलिंगो का एग्ज़ाम एक्सेप्ट करेगी। इनको जो स्कोर चाहिए UG वाले स्टूडेंट से, प्लस टू वाले स्टूडेंट से 105 ओवरऑल, 95 ईच, और अगर आप ग्रेजुएट हैं तो 120 ओवरऑल और 95 ईच। इसी तरह से सोलेंट यूनिवर्सिटी, ये शुरू से इस एग्ज़ाम को एक्सेप्ट करती आ रही है। प्लस टू वाले से इसको 100 ओवरऑल चाहिए, ईच 90 चाहिए, और ग्रेजुएशन जो बच्चे मास्टर्स में जाना चाहते हैं उनसे 110 और 90 चाहिए। मतलब वेस्ट लंदन से कम रिक्वायरमेंट है इसकी। उसके बाद है शेफील्डहैम यूनिवर्सिटी, इसमें अभी आपको ओवरऑल 105 और ईच 95 चाहिए, चाहे आप मास्टर्स में जा रहे हैं और चाहे प्लस टू के बाद ग्रेजुएशन प्रोग्राम में जा रहे हैं। फिर सरी यूनिवर्सिटी है, इसकी थोड़ी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी है दोस्तों, और थोड़ी महंगी भी है नो डाउट, लेकिन इसमें 120 ओवरऑल चाहिए और तकरीबन 100 और 110 ईच चाहिए होगा। इसी तरह से लास्ट जो यूनिवर्सिटी है दैट इज़ बात्सपा यूनिवर्सिटी, इसको 110 प्लस टू वाले से चाहिए, 120 मास्टर्स में जाने के लिए चाहिए, और दोनों को ईच 95 का स्कोर चाहिए। अगर आप ये स्कोर ले सकते हैं, जो कि ड्यूलिंगो का एग्ज़ाम आप मल्टीपल टाइम भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम देने के बाद अगर रिजल्ट नहीं आया वेट करना पड़ेगा, नहीं, आप इसको दोबारा बुक करें, दोबारा पे करें, दोबारा दे सकते हैं। तो जब भी आपका ये स्कोर अचीव हो जाता है तो आप इन स्कोर्स के जरिए भी जा सकते हैं। ब्रॉडवे की टीम आपको इस एग्ज़ाम के लिए पूरी तरह से ट्रेनिंग दे सकती है, आपको अपनी एप्लीकेशंस टीम से मिलकर शुरू करनी होंगी, और ये एग्ज़ाम क्लियर होते ही आप अपनी सीट्स को रिजर्व कर सकते हो। तो जो ऐसे बच्चे हैं जो विदाउट आईलेट्स में फिट नहीं हो पा रहे, आईलेट्स कर नहीं पा रहे, उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसका ये स्कोर अचीव करना बहुत ईजी। अगर आपके आईलेट्स में 5.5 बैंड आते हैं ना, तो आप ये ड्यूलिंगो का आईलेट्स स्कोर किसी भी यूनिवर्सिटी का अचीव कर सकते हो। सो स्टार्ट वर्किंग आउट नाउ, निराश होने की ज़रूरत नहीं है, हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है, ब्रॉडवे आपके साथ है और हर समय आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता रहेगा आपकी हर प्रॉब्लम जो स्टडी अब्रॉड से कनेक्टेड है। आगे भी इस चैनल के साथ जुड़े रहे फॉर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट, और एप्लीकेशन शुरू करने के लिए टीम को कॉल कर लें, क्योंकि ब्रॉडवे के साथ अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे बड़ा बेनिफिट बता दूँ, पैसे देने हैं वीज़ा लगने के बाद। ब्रॉडवे तो विदेश जाने के सपने देगा हकीकत की उड़ान।